बड़ी रोचक कथा है। ये जंगल की एक स्टोरी है। बाघ ने ललकारा भालू को, कौन है? मैं आया हूँ, जंगल का राजा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ या जंगल छोड़ के भाग। भालू ने कहा, तेरी मजाल इतनी, मैं हूँ यहाँ की, हाँ तो सही, दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत का इजहार करने लगे। अब पैतराबाजी होने लगी। बाघ फान करके आक्रमण करना चाहा। भालू ने कहा, मैं तैयार हूँ, मेरे पंजों में तेरे पंजों से कम ताकत नहीं है, पैतरा किसको दिखा रहा है, तुम्हें ये पैतराबाजी महंगी पड़ेगी। भालू ने ललकारते हुए बाघ को कहा, मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा बाघ, तुम बाघ पैतरा दिखाते रहा और दोनों में टक्कर हो ही गई। दोनों दो पैरों पर खड़े होकर हकलाने लगे। युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को अब खड़े होने के बाद, भालू ने दुपट्टा मारा, भालू के झपटे से बाघ नीचे गिर गया और बाघ ने भी प्रहार किया जिससे भालू नीचे गिर गया। रिजल्ट हुआ, दोनों गुत्थम गुत्थी हो गए धरती पर। दोनों की गुत्थम गुत्थी से परेशान बाघ को कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था और भालू के ऊपर मानो युद्ध सवार था, बाघ पर काल की तरह बार बार थपेड़ों से वार किए जा रहा था। बाघ पस्त होता दिखा, लेकिन बाघ भी लड़ रहा था। जंगल में ये नज़ारे बहुत कम होते हैं जब बाघ को भालू ललकारता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे जंगली जानवरों के युद्ध के वीडियो आपके पास आते रहें। दोनों खड़े हो गए, बाघ और भालू, और दोनों की गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। बस अब क्या था, बाघ ने भी कहा कि मुझे भी दो पैरों पे खड़ा होना आता है, भालू तेरी औकात बताता हूँ। बाघ भी पैरों पर खड़ा हो करके भालू से लड़ने लगा। भालू बाघ की ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही, बहुत देर तक चलती रही।
अंत में बाघ ने मैदान छोड़ने में भलाई समझी। भालू ने कहा, अरे कायर बाघ, क्यों में भाग रहे हो? आओ आओ, एक बार टक्कर तो ले लो। किंग बनने का शौक था, किंग मैदान छोड़ के नहीं भागते, तुम तो भाग रहे हो। अगर आपको ये कहानी जंगल की अच्छी लगी तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी जंगली जानवरों की मैं आप तक बराबर लाता रहूं। और पर्यावरण मित्रों, हमारा मनोबल इससे ऊंचा हो जाएगा, एक सब्सक्राइब दे दीजिए। आप लोग देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से ये चैनल अपने नोटिफिकेशन को आपके पास जल्द से जल्द भेज देगा। देखिए, आक्रमणकर्ता बाघ किस तरह से भालू के डर से भागा फिर रहा है।